हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज हम पुरुषों से जुड़ी हुई एक खास समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो पुरुषों के न केवल शारीरिक बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव का कारण बनती है, अवसाद का कारण बनती है। ये समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कभी कभी कि पुरुषों के लिए अभिशाप बन जाती है, पुरुषों के लिए सर्जरी का कारण भी बन जाती है। तो आज हम एक खास टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ऐसे टॉपिक तैयार करते हैं जो पुरुषों की समस्याओं के लिए, महिलाओं की समस्याओं के लिए होते हैं। तो आप इन्हें अपने कमेंट्स से मुझे अवगत कराएं कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, मेरा यह प्रयास कैसा लगा, और क्या आप इस तरह की समस्याओं से फेस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। ये प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए मैंने बनाया है, आप अपने कमेंट्स से अवगत ज़रूर कराएं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माइक्रोपेनिस। माइक्रोपेनिस क्या है, इस तरह की स्थिति के कारण क्या हैं, और इसके उपचार के तरीके क्या हैं। तो ये वीडियो बहुत काम का है, आप पूरा देखें। दोस्तों, अक्सर पुरुष, खास करके पुरुष चिंतित रहते हैं कि उनका जो पेनिस है वो बहुत छोटा है या उनका जो लिंग है वो बहुत छोटा है, और वो ये जो चर्चा है ना अपने दोस्तों से, जो खास फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, उनसे भी नहीं कर पाते, और अपने पार्टनर से तो ये ऐसा टॉपिक है जो उससे तो वो डिस्कस ही नहीं कर पाते। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बंद दरवाज़ों के पीछे जब डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो उनको वहाँ पर भी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती, या वो खुल करके खुद नहीं कर पाते। तो ये समस्या उनके लिए एक अभिशाप की तरह काम करती है, और डॉक्टर इसे छोटे लिंग सिंड्रोम के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं या मानते हैं। तो जब व्यक्ति का, किसी भी पुरुष का जो लिंग है, पेनिस है, वो असामान्य रूप से छोटा होता है, तो ये स्थिति माइक्रोपेनिस की स्थिति कहलाती है, या इस तरह के पेनिस को जो अत्यंत छोटे आकार में होता है उसे माइक्रोपेनिस कहा जाता है। तो माइक्रोपेनिस एक क्लिनिकल वर्ड है, इसका उपयोग ऐसे लिंग के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो औसत से बहुत छोटा लंबाई का होता है। तो माइक्रोपेनिस यानी कि ये जो लंबाई है ये औसत से काफ़ी कम होती है, और इसके अगर हम कारणों की बात करें तो जनरली माइक्रोपेनिस या छोटा लिंग होना जेनेटिकल कारणों की वजह से हो सकता है, हार्मोनल कारणों के चलते ऐसा हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती माइक्रोपेनिस की स्थिति, ये एक दुर्लभ स्थिति है, यानी बहुत दुर्लभतम केसों में ये पाई जाती है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि कितनी पाई जाती है, तो स्टडीज़ के अनुसार अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो रिसर्च ये बताती है, स्टडीज ये बताती है कि सिर्फ 0.6% लोगों में ये पाया जाता है माइक्रोपेनिस की स्थिति। अगर हम केवल यूएसए की बात करें तो 1000 बच्चों में 1.5 माइक्रोपेनिस के साथ पैदा होने वाले बच्चों की स्थिति देखी गई है, जो स्टडीज बताई जाती है। तो माइक्रोपेनिस सामान्य रूप से एक छोटा पेनिस होने वाली स्थिति होती है, और इसकी वजह से व्यक्ति को पेशाब और इरेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आती, वो इरेक्शन भी कर सकता है, यूरिनेशन भी कर सकता है, लेकिन उसको संभोग करने में कठिनाई आती है, उसकी शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है, और मनोवैज्ञानिक समस्याएं अधिक पैदा होती है। व्यक्ति उसकी वजह से लगातार तनाव में रहता है, अवसाद की स्थिति में आता है, अगर शादी वो करता है तो वो रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है। तो ओवरऑल व्यक्ति का मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्बेंस में आता है, तलाक की स्थिति होती है, और व्यक्ति खुद भी लगातार तनाव और चिंता में रहता है, और बहुत से लोगों के साथ जिनके साथ स्पेशली ये प्रॉब्लम है वो बड़ी पेचीदगी में रहते हैं। तो उनको ये जानना समझना चाहिए, अव्वल तो ये स्थिति बहुत ही दुर्लभतम रूप में पाई जाती है, जहाँ पर उनको इतना सोचना पड़े या ट्रीटमेंट लेना पड़े, ऐसी नौबत बहुत ही दुर्लभतम होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वो दुर्लभ केसों में कोई एक है, तो उनको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि ये जो है इसमें केवल आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत आती है, और उससे जुड़ी हुई जो फीलिंग होती है और जो स्ट्रेस और तनाव होता है वो एक बड़ी समस्या बन जाता है। तो इसका जो आकार है माइक्रोपेनिस का, वो कैसे मेजर किया जाए, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो डॉक्टरों के अनुसार माइक्रोपेनिस के आकार का जो निर्धारण है, जो इसका जो कैलकुलेशन है, वो करने का एक तरीका है कि लिंग को बॉडी के पास सटा करके रखा जाए, और फिर उसके लिंग के सिरे से लेकर लिंग के आधार तक की जो लेंथ है उसे मापा जाए। यदि ये लंबाई औसत से 2.5 मानक विचलन से भी कम है तो फिर ये स्थिति
माइक्रोपेनिस की स्थिति है, इसका आप चाहे तो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यदि वयस्कों की बात करें, यदि वयस्क जो पुरुष हैं उनकी बात करें, तो वयस्क पुरुषों के लिए जो औसत जो फैला हुआ जो लिंग है, पेनिस है, उसकी जो लेंथ है वो SPL यानी कि स्ट्रेच पेनाइल लेंथ वो 5.25 इंच होती है, यानी 3.67 इंच या इससे कम की जो लंबाई होती है पेनिस की, 3.67 इंच या उससे भी कम इंच की जो लंबाई होती है वो एक तरह से माइक्रो पेनिस की स्थिति में कहलाती है। तो ये खास इसकी लेंथ होती है। और इसके कारणों की अगर हम बात करें तो जनरली आमतौर पर भ्रूण में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो विभिन्न स्थितियां उसमें पैदा होने लगती हैं और वो घातक हो सकती हैं। तो क्या क्या हो सकती है, फ्रेडर विलिड सिंड्रोम हो सकता है, कार्लसन सिंड्रोम हो सकता है, और सबसे जो कॉमनली जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म जो स्थिति होती है वो पाई जाती है। तो हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म तब होता है जब व्यक्ति के हाइपोथैलेमस जो होता है, व्यक्ति का हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो उन हार्मोनों का स्त्राव नहीं करता जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करने के लिए उसको उत्तेजित करते हैं। तो उनका स्त्राव नहीं करने से टेस्टोस्टेरोन का इम्बेलेंस होता है और ये स्थिति पैदा होती है। तो ये प्रक्रिया जो जनरली परिपक्वता और प्रजनन के लिए जो है एक समस्या के रूप में देखी जाती है। इसका दूसरा जो कारण है वो मोटापा है। मोटापा जो है वो पेनिस के को स्पष्ट कर देता है, या हम ये कहें कि वो छुपा देता है। तो इसका खास करके जो जगह प्रदेश जो होती है, जगन जो वहाँ जो है वसा यानी कि फैट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो पेनिस से वो छोटा दिखाई देने लगता है। तीसरा जो कारण है बड़ा ढांचा, यानी जिन लोगों का पुरुषों का बड़ा शरीर आकार बड़ा होता है, और बड़ा आकार होने के लिए लोग ये मानते हैं जनरली कि इनके शरीर का हर एक बड़ा अंग होगा, आकार की उस अंग की लंबाई बड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो बड़े ढांचे वाले लोगों का लिंग जो है वो औसत लंबाई वाले लिंग की तुलना में छोटा होता है और उसकी लंबाई जो है सामान्य से थोड़ी कम होती है। तो ये एक बड़ा जो शरीर है या ढांचा है उसकी वजह से भी एक कारण बन सकता है। एंड नंबर थ्री पर जालदार लिंग जो होते हैं वो उनकी बात करते हैं। ये जालदार ये एक जन्मजात विकृति है। तो इसमें अंडकोश का जो होता है टेस्टिस के नीचे जो है टेस्टिस जो है नीचे की ओर फैल जाती है और बीच में पेनिस आ जाता है। तो दोनों के बीच एक स्पष्ट जो है जंक्शन की स्थिति बन जाती है। तो पेनिस छोटा लगने लगता है, छोटा हो जाता है। तो ये खास बातें हैं। अब इसकी वजह से जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं, देखिए माइक्रोपेनिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है, व्यक्ति इंटरकोर्स नहीं कर सकता। इसके अलावा व्यक्ति को भावनात्मक समस्याएं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है, ये एक बड़ी समस्या है उनके लिए। तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, अवसाद हो सकता है, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है। बहुत बार जो है शादी के तुरंत बाद दो दिन बाद ही तलाक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो माइक्रोपेनिस के ट्रीटमेंट के लिए जनरली हम दो ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जिसमें पहली है टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, दूसरी है सर्जरी। तो माइक्रोपेनिस के ट्रीटमेंट की फर्स्ट जो जो तरीका है वो है टेस्टोस्टेरोन थेरेपी, और ये सभी उम्र के लोगों को दी जा सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर बचपन में इस थेरेपी को इम्प्लीमेंट कर दे, यानी कि इसका इलाज किया जाए इस टेस्टोस्टेरोन थेरेपी के द्वारा, तो इसकी सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। तो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी में होता क्या है कि एक छोटा सा एक ये तरीका कोर्स है जिसमें थेरेपी के द्वारा लिंग की वृद्धि का लिंग की वृद्धि जो हार्मोनों के प्रति जो प्रतिक्रिया करती है उसको उसका परीक्षण किया जाता है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन दिया जा सकता है, टेस्टोस्टेरोन स्किन जेली का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्टडी ये बताती है कि शिशुओं में तो जो बच्चे होते हैं उनमें तो इसमें ग्रोथ देखी गई, लिंग में लेंथ में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन बाद में वयस्क अवस्था में यदि इसका प्रयोग किया जाए या किया जाए तो उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अभी कोई स्टडीज अभी सामने नहीं आई है। तो ये एक पहला तरीका हुआ। दूसरा है सर्जरी। तो ये जो सर्जरी है, इस सर्जरी में तो सर्जरी का उपयोग तो आप सभी जानते हैं कि तब किया जाता है जब कोई उपाय नहीं बचता, दवाओं से या और कोई थेरेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा होता, तब सर्जरी का उपयोग किया जाता है, तभी विचार किया जाता है
नहीं तो इस विकल्प पे विचार नहीं किया जाता। तो छोटे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं होती, ये जोखिम भरी होती है, इसके रिजल्ट भी बड़े डेंजरस हो सकते हैं। तो वयस्कों में डॉक्टर्स की देख रेख में, सुपरविजन में ये सर्जरी की जाती है, और सर्जरी जनरली सर्जन के द्वारा ही की जाती है। तो ये एक विकल्प होता है जो एक लास्ट ऑप्शन होता है इस तरह की स्थिति में, यानी कि माइक्रोपेनिस की स्थिति में, तो लोग इसको ले सकते हैं। तो ये खास बात है, दो तरह के निदान मैंने बताए। तो माइक्रोपेनिस क्या है, वो औसत से कम आई कम लेंथ वाला जो पेनिस होता है, लिंग होता है, वो स्थिति है। और जनरली ये 3.67 इंच से कम, या 3.67 या उससे भी कम जो है लेंथ होती है, SPL होती है, यानी कि स्ट्रेच पेनाइल लेंथ होती है, तो उस स्थिति को माइक्रोपेनिस कहा जाता है। और भ्रूण में जो है, अगर कारणों की बात करें तो भ्रूण में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण विभिन्न स्थितियां पैदा होती है, लाइक फ्रेडर वेली सिंड्रोम, या कार्लसन सिंड्रोम, या फिर हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हमने बताया मोटापा, या बड़ा ढांचा, या जालदार लिंग, और ये जो खास कारण है जिसकी वजह से ये होता है। और ट्रीटमेंट मैंने आपको दो बताए हैं कि इसमें टेस्टोस्टेरोन थेरेपी दी जाती है और सर्जरी दी जाती है, जिसके द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कितना जरूरी है, कितना आपके लिए फायदेमंद है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप बताएंगे तो मैं और इसका दूसरा पार्ट, जिसमें जो पेनिस है वो श्रिंक क्यों होते हैं, सिकुड़ते तो क्यों है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, माइक्रोपेनिस और पेनिस का श्रिंक होना दो अलग बातें हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। प्लीज इसके बारे में आप कमेंट करें और मुझे अपनी राय से अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।